हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन माह की पूर्णिमा के दिन राखी का पर्व मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन जल्दी आने वाला है, लेकिन इस बार राखी को बांधने को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ऐसा इस कारण से हो रहा है क्योंकि रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया रहने वाला है। राखी पर भद्रा सुबह से लेकर रात तक रहने वाला है। इस कारण से राखी कब बांधी जाएगी, इसको लेकर काफ़ी बातें मन में परेशानी और संदेह को पैदा कर रही हैं। भद्रा को लेकर ये त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, 30 तारीख को या 31 तारीख को, इसे लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि राखी का त्यौहार किस दिन और किस समय मनाया जाएगा, क्या है भद्रा काल और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि राखी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से जो शुभता प्राप्त होती है वो भद्रा के प्रभाव से कुछ कमज़ोर बनी रहती है। इस स्थिति में शास्त्रों के मतों का उल्लेख कई रूपों में हमें प्राप्त होता है। जब भद्रा समय को भी कुछ विशेष स्थिति में अपना लेने की बात कही जाती है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भद्रा का मुहूर्त पर क्या असर पड़ता है और भद्रा समय को हम कब अपना सकते हैं। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का वास मृत्युलोक में है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन को हमेशा भद्रा के बाद ही किया जाना चाहिए। भद्रा में रक्षाबंधन को वर्जित बताया गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भद्रा किसे कहते हैं। हिंदू पंचांग के 5 अंग होते हैं। ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन्हीं 5 अंगों की गणना को पंचांग कहते हैं। दोस्तों, जब विष्टि नाम का करण बनता है तो इसे भद्रा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा तिथि को पूर्वार्ध और चतुर्थी के साथ एकादशी तिथि को उत्तरार्ध की भद्रा होती है। वहीं कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि को उत्तरार्ध के साथ ही सप्तमी चतुर्दशी तिथि को पूर्वार्ध की भद्रा कहा जाता है। पूर्वार्ध की भद्रा यानी विष्टिकरण। शास्त्रों में बताया गया है भद्रा में रक्षा सूत्र ना बांधा जाए। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है, अर्थात राखी तभी बांधी जाती है जब भद्रा ना हो। साथ ही शुभ मुहूर्त देखकर भी भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। 30 अगस्त 2023 को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी, इसके बाद ही राखी बांध सकते हैं। अर्थात रात को 9:02 के बाद आप राखी बांध सकते हैं 30 तारीख को। पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को राखी बांधने के लिए रात 9:03 के बाद का समय शुभ है। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में जो लोग रात में राखी नहीं बांधते वो अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस दिन सुबह इसी समय समाप्त हो जाएगी। खास बात यह है कि 31 अगस्त को भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल कब से कब तक है। दोस्तों, 30 अगस्त 2023 को दिन बुधवार को भद्रा का उदय सुबह 10:59 पर हो रहा है और भद्रा अस्त हो रहा है रात में 9:02 पे। इस दिन चंद्रमा सुबह 9:57 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और भद्रा के उदय काल समय में चंद्रमा के कुंभ राशि में होने के चलते भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन भद्रा के उदय से पहले या फिर भद्रा के मुख भाग की 5 घटी यानी 2 घंटे बीत जाने के बाद ही शुभ चौघड़िया काल में करना चाहिए। दोस्तों, 30 अगस्त 2023 को दोपहर में 12:20 से लेकर के 1:54 तक राहु काल भी रहेगा और प्रातः 10:19 से पंचक भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रही राखी के शुभ मुहूर्त की बात। अब आइए जानते हैं कि हमें कैसी राखी अपने भाइयों को नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये रिश्ता बहुत पवित्र धागे से बंधा होता है। ऐसे में भाई के लिए राखी लेते समय हमें कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भाई के लिए राखी लेते हुए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई अशुभ चिन्ह वाली राखी ना लें।
हमेशा शुभ चिन्हों वाली ही राखी हमें लेनी चाहिए। हमें कभी भी देवी देवताओं की फ़ोटो वाली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना देवी देवताओं का अपमान करना होता है, उनकी फ़ोटो को अपवित्र करना होता है, क्योंकि लंबे समय तक राखी हाथ पे बंधी रहती है, उसे हर तरह की हाथ से चीज़ छूते हैं, हर तरह का पानी पड़ता है, तो ये देवी देवताओं को अपवित्र करना माना जाता है। हमें कभी भी खंडित राखी नहीं खरीदनी चाहिए, यानी टूटी हुई राखी ना हो, कहीं से कटी ना हो, ऐसी राखी हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही हमें अपने भाइयों को बांधनी चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। दोस्तों, हमें काले रंग की राखी से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी काले रंग की राखी अपने भाइयों को नहीं बांधनी चाहिए। हमेशा शुभ रंगों वाली राखी बांधें, जैसे लाल, पीली, हरी, इस रंगों की राखी आप अपने भाइयों को बांधें, ना कि किसी अशुभ रंग की राखी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हम रक्षाबंधन के दिन कौन सी 10 गलतियां भूलकर भी ना करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले राखी हमें भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी और कृष्ण जी को बांधें। ऐसा करना बहुत शुभ होता है, अतः इनको राखी बांधना ना भूलें, उसके बाद ही हम भाइयों को राखी बांधें। दूसरा है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी राहु काल या भद्रा काल में भूल कर भी राखी को ना बांधें। दोस्तों, काले धागे की टूटी फूटी खंडित राखी अपने भाइयों को कभी ना बांधें। ऐसा करने से राखी बांधने के अशुभ परिणाम मिलते हैं। हमें कभी भी प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीज़ों से बनी हुई राखी या अशुभ चिन्हों वाली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ होता है। पांचवा है, भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूलें। ध्यान रहे, भाई और बहन दोनों का सर ढका हुआ होना चाहिए। दोस्तों, राखी बांधते वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूलें। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बुद्धिनामी रक्षे माचल माचलः। ये मंत्र आप बोलें, उसके पश्चात ही अपने भाई को राखी बांधें। अपने भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करते समय रोली या चंदन लें और सिंदूर से तिलक ना करें, अर्थात रोली या चंदन का तिलक करना है, ना कि सिंदूर का। उसके पश्चात अक्षत लगाएं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अक्षत हम लेंगे वो भी खंडित ना हो। रक्षाबंधन के समय भाई का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखें। हमेशा दिशा का ध्यान रखते हुए ही हमें राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों, भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना लें। पर दोस्तों, बहनों के साथ भाइयों को भी ये हमेशा ख्याल रखना है कि बहन के आरती करने के पश्चात थाली में दक्षिणा रखना ना भूलें। साथ ही अपनी बहन के पैर छुएं और थाली में दक्षिणा रखें, उसके पश्चात ही वो उठें, इससे पहले वो ना उठें। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि राखी बांधने का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 30 तारीख को या 31 तारीख को, क्या है भद्रा का समय और रक्षाबंधन के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।